एक युवक की खुदकुशी के बाद उसके परिवार वालों ने छतरपुर के एसपी ऑफिस में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ये मामला खुदकुशी का नहीं, हत्या का है। एसपी ऑफिस के बाहर मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मामला महाराजपुरा के कुसमा से जुड़ा हुआ है, जहां अनिल कुशवा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस की तफ्तीश में मामला आत्महत्या का था। मृतक के परिजन लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मृतक की हत्या की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले राकेश ने फोन लगाकर कहा था कि उसका लड़का उनकी लड़की से छेड़छाड़ करता है और इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। जब एक माह गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज महाराजपुरा थाना पुलिस की शिकायत करने और मामले की जांच की मांग को लेकर एसपी ऑफिस मृतक के परिजन पहुंचे थे। जैसे ही एसपी अपने कार्यालय पहुंचे, परिजनों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। श्रीमान जी, 9 तारीख को शाम के टाइम सामने वाले मेरे पास फोन लगाया, राकेश कुशवाहा ने कहा घर पे आ, मौसी मौसिया ने बुलाया है तुमको, कुछ काम है। मैंने कहा आ रहा हूँ। शाम के गया साहब, खेती वाला आदमी हूँ तो मैं अपना काम देखा। शाम के गया साहब, तो मैंने कहा भैया कहाँ बुलाओ, का काम है आपको? तो साहब बोला तुम्हारा लड़का अनिल हमारी पूजा को परेशान करता है, फोन से बात करता है। तो हमने कहा भैया हमारा लड़का ऐसा है नहीं, काम से काम मतलब रखता है, कोई मोहल्ले में नहीं बता सकता, आज तक किसी ने उसका वराना नहीं दिया है, काम से काम करता है साहब। फिर साहब हम उनको राना सुन के घर आए, हमें लड़का नहीं मिलू, लड़का नहीं मिलू। हमने अपनी पत्नी से पूछो कि भैया अनिल कहाँ है, से जो बोले करके भाई खिलाने चलोगे बाहर, हमने तो तुम फोन लगाओ आगे। लड़का ने हमारे तो तुम फोन उठाओ, बोलो पापा कर भी गए आ रहे। ई के बाद फिर 10 मिनट बाद लड़का को फोन नहीं उठो, फिर नहीं फोन उठो हमारे लड़का को। फिर रात भर हमारे ढूंढते रहे, फिर नहीं मिलो हमारा भैया। हमारे बेटे का धमकी दी थी राकेश ने कि मार डालेंगे और फोन कर लड़का चलूगा ओ उनके महत्या को नाम गणपत, बिटिया को नाम पूजा। कौन है ये लोग, कहाँ के रहने वाले? कहाँ की और है, लेकिन वे उनके अपनी जायदाद दाई उन लड़का को राकेश ना धमकी दे रहा है, बिटिया के बारे में धमकी दे रहा है। देखे तुम्हारा लड़का हमारी लड़की से बात करता है तो हम मार डालेंगे। और हमने पूछा भैया कहाँ जा रहा है, भैया बोलो कि राकेश को फोन आओ तो जा रहा है। लड़का सारी रात ढूंढो, लड़का नहीं मिलो। उन लोगों ने मार दिया। क्या बोला एफसी? वो बता दिया हमने उन लोगों को, वो बोले कार्रवाई करेंगे हम। अभी तक की जाते तो सुसाइड है, आत्महत्या है, फांसी से लगाना पीएम रिपोर्ट में आया है, बाकी जांच जारी है। उनका तो आरोप है कि फांसी उनके विरोधी और किसी ने हत्या करके उनको टांग लिया है फांसी में, उनका आरोप है। हम लोग तो जांच कर रहे हैं, अपने एंगल से जांच कर रहे हैं, जो सच है वही सामने आएगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।